तो फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया, हम व्हीकल डायग्नोस्टिक पे क्लिक करते हैं। इधर लिखा रहा है नॉन लर्निंग, नॉन लर्निंग तीनों की देखें जरा, गेयरबॉक्स क्लच पेयर एंड नॉन लर्निंग अपने ऊपर कर देनी है और पी में पोजीशन होनी है गियर की। ये झड़क ले रही है गाड़ी, ये आपकी कैलिब्रेशन हो रही है प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ हसन और आप देख रहे हैं हसन टेक्निकल। आज मैं आपको एल्फ चंगाल लूमियर की लर्निंग करके दिखाऊंगा, गियर बॉक्स PR&D और क्लच की। आप पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे गाड़ी की जाकर लर्निंग हुई है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में हम पहले हमारा कनेक्टिंग हो रही है यहाँ पर, डिवाइस थोड़ा टाइम लेती है। तो फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया, हम व्हीकल डायग्नोस्टिक पे क्लिक करते हैं। ये हमारी कमर्शियल में पैसेंजर में आती है हमारी, है फ्यूल व्हीकल है हमारी है। आगे हम जाते हैं, ये एल्समिन है तो एल्समिन सीरीज में हम जाते हैं। आगे तो ये हमारा आगे, अब हम DTC में जाएंगे, डायग्नोस्ट डाटा वर्जन पे रीड DTC में। सबसे पहले हम जाके चेक करेंगे कोड तो नहीं आ रहा इसके अंदर कोई, अगर आपका कोई कॉल हिस्ट्री में होगा तो आपको लर्निंग में प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हम जाएंगे एक्चुअल वैल्यूज़ में, एक्चुअल वैल्यूज़ हम इसकी ये चेक करेंगे कि इसकी जो है लर्निंग हुई है कि नहीं। ये हम गेयरबॉक्स लर्निंग, PR&D लर्निंग, क्लच लर्निंग स्टेटस ओके करते हैं इसको। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इधर लिखा रहा है नॉन लर्निंग, नॉन लर्निंग तीनों की देखें, गेयरबॉक्स क्लच PR&D नॉन लर्निंग। अब हम इसकी लर्निंग करेंगे, बैक जाते हैं। लर्निंग के लिए आपको किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा वो भी आपको बताता हूँ मैं। स्पेशल फंक्शन में आपने जाना है और स्पेशल फंक्शन में जाके आगे आपने जाना है रीट्यून कंट्रोल। आगे लर्निंग आ गई है, आप एक एक करके, आप सबसे पहले आप कौन सी लर्निंग करेंगे? सबसे पहले आप गेयरबॉक्स की लर्निंग करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, परफॉर्म गेयरबॉक्स कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कन्फर्म में क्लिक करें। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर इफ द कार स्टेटस स्टेटिफिक्स shift level in P position, the vehicle is static, hard brake is pull on, engine stop। आपने हैंड ब्रेक ये देखें ज़रा, हैंड ब्रेक आपने ऊपर कर देनी है और P में पोजिशन होनी है गेयर की। और आपने ये देखें ज़रा, अब ये आपने ब्रेक को पुश करके रखना है नीचे, ये नीचे हार्ड ब्रेक को पुश करके रखना है, ठीक है। तो हम प्रेस स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, प्रेस स्टार्ट पे क्लिक करके फिर हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। क्लच की करेंगे, गाड़ी बंद करते हैं, दोबारा स्विच ऑन करते हैं, क्लच पे कंफर्म करते हैं। अच्छा अब ये कह रहा है प्लीज मेक श्योर इफ द कार स्टेटस फुल ब्रेक स्टेट, हैंड ब्रेक अप, न्यूट्रल गियर, इंजन आइडल स्टेबिलिटी। ये अब ये आप कह रहा है कि फुल ब्रेक आपने पुश करके रखनी है नीचे, फुट ब्रेक, और आपने हैंड ब्रेक आपने पूरी उठा के रखनी है, और आपने न्यूट्रल पे गियर करना है। तो हम न्यूट्रल पे करते हैं गियर, यहाँ पे हमने न्यूट्रल पे कर दिया गियर। अब आपने आइडल इंजन जो है ना आइडल पे कह रहा है, तो हम इसको पहले करते हैं स्टार्ट। लिखा हुआ है स्टेप ब्रेक पैडल प्रेस स्टार्ट सेल्फ लर्निंग स्टार्ट आफ्टर इंजन स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ, ब्रेक आपने नहीं छोड़नी, ब्रेक पुश करके रखनी है फुट ब्रेक। ये झड़क ले रही है गाड़ी, ये आपकी कैलिब्रेशन हो रही है प्रॉपरली। देख सकते हैं आप कंप्लीट हो गई हमारी लर्निंग, क्लच वाली भी एग्जिट करते हैं हम। अब हम करते हैं स्विच, अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, PR&D की हम करेंगे, अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा अब इसका आपको मैं बता दूं, इसका बाज़ अवकात काफ़ी लोगों को नहीं पता इसकी लर्निंग किस तरह करते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ इसकी लर्निंग किस तरह करते हैं। आपने पहले स्विच ऑफ करना है, ठीक है। अब स्टार्ट पे क्लिक करके फौरन स्विच ऑन कर देना, ब्रेक भी पुश कर देनी।
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, कंप्लीट हो गई हमारी लर्निंग। एक दफ़ा ही हमने 5 सेकंड में कंप्लीट कर दी है, तो हम एग्जिट करते हैं। तीनों हमारी लर्निंग हो गई है, आपको मैं एक्चुअल वैल्यूज़ में जाके दिखाता हूँ ये कंप्लीट हो गई है। पहले आपको मैंने दिखाई थी नॉन कंप्लीट थी, अब मैं एक्चुअल वैल्यूज़ में जाता हूँ। क्रिएट जनरल डाटा पे, गियरबॉक्स लर्निंग, पीआरएनडी लर्निंग, क्लच लर्निंग, ओके। तो देख सकते हैं आप तीनों लर्निंग पहले इधर नो आ रही थी, अब डन हो गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल एम हसन टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।